हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं SSLC कर्नाटक वाले बच्चों को लेकर के, क्योंकि बच्चों के इतने सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक हैं, परेशान हैं। इतने सारे कमेंट्स करके बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमारे लिए कोई रास्ता है, मैम क्या हम प्रमोट हो सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, मैम हमारे एग्ज़ाम क्यों लिए जा रहे हैं जब 12th वाले बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल करके उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। तो इतने सारे बच्चों की कन्फ्यूजन, इतने ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, पैनिक हो रखे हैं, और बच्चे खुद एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। सबके घर में सेम सिचुएशन नहीं है इस वक्त कि बच्चा भी निकल के एग्ज़ाम दे। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं घरों में जिनके यहाँ बिकॉज ऑफ COVID-19 जो है काफ़ी अपने घर वालों की डेथ हो गई, तो वो घर वाले जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो उस चीज़ को लेके बच्चे अभी अपने मतलब घर वाले जो हैं अपने बच्चों को बाहर भेज के एग्ज़ाम नहीं दिलवाना चाहते हैं। पेरेंट्स भी काफ़ी पेरेंट्स अगेंस्ट हैं इस चीज़ को लेकर के कि बच्चे जो हैं बाहर जाके एग्ज़ाम देना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि कोरोना केसेस जो हैं ख़त्म नहीं हो गए। कोरोना केसेस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, ठीक है। जड़ से तो बीमारी ख़त्म नहीं हो गई है, स्टिल अभी भी है, बढ़ सकता है, तीसरी लहर आने के चांसेस हैं। चीज़ें हैं वो ज़रूर आ गई हैं कि जैसे ब्लैक फंगस हो गया, वाइट फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया। तो इन सब चीज़ों में बच्चों का बाहर निकल के, वो भी छोटे बच्चे, 12th वाले बच्चों को तो एग्ज़ाम कैंसिल करके प्रमोट कर दिया गया, अच्छी बात है उनके लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ कंपेयर। लेकिन अब जैसे अगर 12th वाले बच्चों को एग्ज़ाम कैंसिल करके जब प्रमोट कर दिया गया, तो 12th वाले बच्चों से भी छोटे बच्चे हैं, ये 10th वाले बच्चे हैं, तो इनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके इनको भी प्रमोट करना चाहिए जस्ट लाइक 12th वाले बच्चों को किया गया। ये वाली पार्शियलिटी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, जिस तरह से अभी प्राइवेट कंपार्टमेंट रिपीटर्स और पत्राचार वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोग हो गए, कर्नाटक के SSLC वाले बच्चे हो गए, इन सब सारे बच्चों के साथ जो पार्शियलिटी क्यों की जा रही है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे बच्चों के एग्ज़ाम जो है लिए जा रहे हैं और बड़ों के एग्ज़ाम कैंसिल करके उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। ये खुद भी सोचना चाहिए कि बच्चों के मन में ये भी चीज़ आएगी कि मतलब बड़ी क्लास को जो है एग्ज़ाम कैंसिल करके प्रमोट कर दिया गया, हम उनसे छोटे हैं, हमारे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से जो है आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल करके आप लोग को प्रमोट करना चाहिए, लोग सपोर्ट करिए। ट्विटर एक ऐसी चीज़ है कि मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वहाँ पे अगर पूरी पब्लिक सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो वो एक मुद्दा बन जाता है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग जाइए, जब मैं ट्वीट करूँ उस पर रिट्वीट करिए, लाइक करिए, उसको शेयर करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों की बात ऊपर तक पहुंचा सकूं, आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा जो है कोशिश अभी जारी है इधर उधर से भी, ममता शर्मा मैम जो है हमारी एडवोकेट, वो भी यही चाह रही हैं बाकी प्राइवेट वाले बच्चों को लेकर के, तो वो पिटीशन डालने के लिए पूरी तैयारी में है कि मैं वो मतलब उनका ट्वीट आया था कि उस पर वो काम कर रही हैं कि बच्चों को लेकर पिटीशन डाला जाए कि प्राइवेट कंपार्टमेंट रिपीटर्स और पत्राचार वाले बच्चों के एग्ज़ाम भी कैंसिल करके उन्हें प्रमोट किया जाए। आप लोगों के लिए भी हम सब खड़े हैं सपोर्ट करने के लिए, बस आप लोग प्रे करिए और ट्वीट करिए, ठीक है, कि आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल करके आप लोगों को भी प्रमोट कर दिया जाए। कि मेरे चैनल पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सारे अदर बोर्ड्स की भी, CBSE, ICSE, NIUS, IGNOU, हर तरह के बोर्ड्स की जो मेरे चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं देती हूँ आप लोगों को। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में, सबके साथ शेयर करिएगा, और ट्विटर पर मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आप लोगों की मांग ऊपर तक पहुँचा सकूँ और आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल करके आप लोगों को प्रमोट दिया जाए। तो वो प्रेशर जो है हम सबको मिलके बनाना पड़ेगा, कोई अकेले एक बंदे से जो है एक बच्चों से नहीं बन पाएगा, सारे बच्चों को मिल करके इस मांग को जो है ऊपर रखना पड़ेगा और फोर्स करना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा, और आप लोग को ये दिखाना होगा कि आप लोग को एग्जाम नहीं देना है, आप लोग की कंडीशन इस वक्त नहीं है एग्जाम देने की, ना तो आप लोग के घर वाले आप लोग को बाहर भेजना चाहते हैं, ना ही आप लोग खुद बाहर निकलना चाहते हैं इस कोविड की सिचुएशन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।